जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। आप, मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तुमने, जो मेरे विनाश को जन्म दे उस कुल घातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है तो आप हमारी 8वीं संतान के प्राण ले लीजिएगा, बल्कि 8वीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी,